सरकारी वकील ने बहुत कोशिश की कि इस केस को डिसमिस किया जाए, लेकिन हमारे वकील भी बड़े तगड़े थे। उन्होंने अपनी बात जज के सामने रखी, जज ने हमारी बात ध्यान से सुनी, समझा और उन्होंने फरवरी के फर्स्ट वीक की डेट हमें दी है 2019 में। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, वो हम सैनिकों को न्याय जरूर देंगे। वरना इस सरकार ने तो इतना जोर लगा रखा है कि सैनिकों को ना तो उनका हक देना और हमारा मान सम्मान नीचे गिराती जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 30 अक्टूबर 2017 को पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, किस तरह मुझे घसीट के हमारे मंच से नंगे पैर घसीटते हुए पार्लियामेंट थाने में रखा। प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब एक दिन मैं आपसे लेकर आऊंगी कि मैं भूखी प्यासी अपनी बहनों का हक की आवाज उठा रही थी तो आपने आपकी पुलिस के थ्रू क्यों हमारे ऊपर क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया, इसका जवाब आपसे चाहिए। तो हमारे डबल वीर चक्रा विंग कमांडर नेब को पुलिस ने धक्के मारे, हमारे जनरल सतवीर की पगड़ी को हाथ लगाया, शुक्र है उन्होंने पगड़ी अपने दोनों हाथों से संभाल ली, वरना उस दिन देश का कितना नुकसान हो जाता अगर पगड़ी जमीन पे गिर गई होती तो। हमारी विधवा बहनों को घसीटा गया, हमारे रिजर्विस्ट भाई जिनको जिन्होंने देश के लिए तीन तीन लड़ाइयां लड़ी, आज सिर्फ उनको सिर्फ 9000 रूपये पेंशन दे रही है सरकार। कम से कम एक सिपाही रैंक के बराबर उनको पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो देश के सैनिक हैं, उन्होंने देश के लिए तीन लड़ाइयां लड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया, हमें थाने में रखा 5-5 घंटे और ऊपर से कहते हो कि आप सैनिकों का सम्मान कर रहे हो। मोदी जी, ये दिखावा करना बंद कीजिए, हम देश के सैनिक हैं, कोई भिखारी नहीं है। वो आरोपी अगर आप दे रहे हैं तो कोई भीख नहीं दे रहे हैं, ये हमारे सैनिकों का हक है और इसे हम लेकर रहेंगे। आपको जितना जोर लगाना है लगा लें प्रधानमंत्री जी, जितनी बार जेल में डालना है डाल लीजिए, आपकी पुलिस जेल में डालते डालते थक जाएगी। हम डरने वाले नहीं है, ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। अपना ओ आरोपी हम एक दिन लेके रहेंगे और जब तक वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन लागू नहीं कर देती सरकार, पूर्व सैनिक जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। कितनी बार हम लोगों को कितना तंग किया गया ये अब मैं सबको नहीं बता सकती, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के घर विधवा बहनों को लेके गए, उनके ऑफिस गए। प्रधानमंत्री जी के पास क्रिकेटर से मिलने का समय है, हीरो हीरोइन की शादी में मुबारकबाद देने का समय है, पाकिस्तान बिना बुलाए जाके चाय पी के आते हैं, लेकिन जिस देश के शहीद उनकी पत्नियां उनके घर जाती हैं तो प्रधानमंत्री जी आप दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्यों क्यों डरते हैं आप पूर्व सैनिकों से? 2013 में रिवाड़ी में तो आप बड़े खुश थे, सैनिकों को नमन करता हूँ, सैनिकों को नमन करता हूँ। आज उन्हीं सैनिकों से मिलने से क्यों इनकार कर रहे हैं? वन रैंक वन पेंशन हमारा हक है और वो हम लेके रहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है, सेम रैंक सेम सर्विस सेम पेंशन। बट आज जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उसमें अगर एक सिपाही 17 साल नौकरी करके आता है उसकी पेंशन में और पहले के रिटायर्ड सिपाही की पेंशन में 4,296 रूपये का फर्क है। तो प्रधानमंत्री जी, इसको वन रैंक वन पेंशन का नाम देकर देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए, आप झूठ बोलना बंद कीजिए। हम सैनिक हैं, इस देश का गौरव है, मान है इस देश का, और आपने हमारे सड़कों पे बिठा के रखा हुआ 4-4 साल से। दूसरा, मीडिया को ब्लैक आउट करके रखा हुआ कि हमारी बात जनता तक ना पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री जी, फौज है तो देश है और हम फौजियों के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, और जो देश अपने सैनिकों का सम्मान नहीं करता वो देश बर्बाद हो जाते हैं। तो सैनिकों के साथ राजनीति करना बंद कीजिए और हमारा हक, हमारा मान सम्मान जो 1947 में था वो हमें वापिस चाहिए। जब तक आप हमारा मान सम्मान वापिस नहीं करेंगे, जितना जोर लगाना है लगा लें, जितने कष्ट देने हैं दे लें, हम नहीं टूटेंगे। पुलिस ने हमारा मंच तो तोड़ दिया लेकिन हम सैनिकों के हौसले नहीं तोड़ सकते। मैं भी सैनिकों के साथ हूँ, सैनिक मैं एक किसान की बेटी हूँ, सैनिक की पत्नी हूँ, मरते दम तक मैं अपनी कसम निभाऊंगी। जब तक पार्लियामेंट की पास की हो आरोपी सरकार लागू नहीं करेगी, जंतर मंतर पे सैनिकों का जनरल सतवीर का साथ देती रहूंगी। जय हिंद।